दुआ करवाना वक्त में बरकत देते हैं। आप सब ने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत यूनुस। बोलो कौन? हजरत यूनुस। एक कश्ती में बैठे, इसमें बैठे कश्ती, बोट, स्टीमर, कश्ती। और कश्ती हिलने लगी, पानी में तूफान आ गया, ऐसा लगे कश्ती अभी पलटेगी, अभी इधर पलटेगी, अभी सब मरेंगे, जितने सवार बैठे सब डूब जाएंगे। अब सबको यकीन हो गया कि कश्ती अभी पलटने वाली है, और अंदर ऐलान हो गया कि हमारा कंट्रोल नहीं है कश्ती पर, अब पानी का तूफान आ गया है, अब हम सबको मरना है। तो कौन बैठे थे कश्ती में? सब कश्ती वाले आए, अल्लाह के पैगंबर कुछ करो ना। हजरत यूनुस ने हाथ उठाया, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा तुम समंदर में आ जाओ, तुम अकेले समंदर में आ जाओ, हम कश्ती को किनारे लगा देंगे। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अकेला हूँ, सब ने कहा नहीं तुम अकेले आओ, आना हो तो आओ, कश्ती को किनारे लगा देंगे, तुम्हारी एक की जान जाएगी सबकी जान बचेगी, हम होते ना। सब मरे साथ में मरे, मेरी बीवी अकेली बेवा का को हो, सबकी ओर से बेवा हो गए। लेकिन हजरत यूनुस ने एक छलांग लगाई और कहाँ चले गए? पानी, कश्ती तो किनारे पे चली, अगर यूनुस पानी में गए, चाहिए पता पानी में तैरना नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा, और समंदर में जो सिक्लोन तूफान, तो अंदर गए तो मछली पहले से तैयार, यूं मुंह खोल के बैठी, जैसे अगर यूनुस आए मछली ने पेट में ले लिया और मुंह बंद कर दिया। अब अगर यूनुस कहाँ चले गए? अगर यूनुस कुछ फरमाते, कुरान में लिखा अगर यूनुस ने दुआ मांगी, अल्लाह 40 दिन और 40 रात हो गए, किसके अंदर? मछली के पेट में 40 दिन 40 रात हो गए। अगर यूनुस ने जो दुआ मांगी ना, कहा अल्लाह मैं तीन अंधेरों में हूँ, अल्लाह ने कितने अंधेरे में हो, तीन, एक तो मछली के पेट का अंधेरा, एक समंदर का अंधेरा, और एक रात का अंधेरा, रात के सन्नाटे में कहा अल्लाह रात का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है। और उस वक्त हजरत यूनुस ने जो जोरदार दुआ मांगी, अल्लाह ने उसी वक्त कहा मेरे यूनुस ये दुआ मांगी है, अभी मछली तुमको किनारे तक पहुंचा देगी। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम में 17वां था, साथ में बोलो ने कौन सा मारा? अल्लाह ने फरमाया फनादा फिर बोलो मादी अन पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम व कذلك ننجي المؤمنين। अल्लाह ने फरमाया मेरे यूनुस तुमने तीन अंधेरों में जहां तुम्हें कोई देखने वाला नहीं, मछली के पेट में, समंदर की गहराई में, रात के अंधेरे में कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं, मगर एक है जो देखेगा भी सुनेगा। वो कौन है? अल्लाह। क्या अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ने मछली को जैसे किनारे पर धक्का मारी और मुंह खोला, हजरत यूनुस बाहर आए, 40 दिन कपड़ों का ठिकाना ना, हड्डियों का ठिकाना ना, बोटियों का ठिकाना, ऐसे आके पड़ गए सामने हजरत जिब्रील थे। फरमाया जन्नत का पानी लेकर आया हो, एक बार पी लो, इसकी कुदरत से कपड़ा पहन सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये भी 10वीं मुहर्रम को। बोलो ये कौन सी सुबह में हुआ? 10वीं मुहर्रम में तो बहुत से वाकियात हुए, आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे तो मैं बोलते जाऊँ ना, क्योंकि इतने सारे वाकया सुनाना तो मुश्किल है। साथ में बोलो ना हजरत आदम अलैहि सलातु व सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत आदम अलैहि सलातु व सलाम के लिए नबूवत का फैसला हो गया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत आदम को जन्नत में पहुंचाने का फैसला हो गया। कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत यूसुफ अलैहि सलातु व सलाम को कुएं से निकाला गया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत इब्राहिम को दहकती हुई आग से बाहर निकाला गया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत सुलेमान को बादशाहत मिल गई। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत दाऊद की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत अय्यूब की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत नूह की कश्ती किनारे लग गई। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत मूसा पार हो गए बनू इसराइल को लेकर। कौन सा महीना मुहर्रम? फिरौन पापी मर्दों ने डूब गया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? अरे मेरे प्यारों, सबसे पहले चांद आसमान पर आया मुहर्रम, सबसे पहले सूरज आसमान पर आया मुहर्रम, सबसे पहले सितारे आसमान पर आए मुहर्रम, सबसे पहले आसमान से पानी उतरा। बोलो कौन सा महीना मुहर्रम? और प्यारे नबी के प्यारे नवासे मैदान-ए-करबला में शहीद हुए हजरत हुसैन
radiyallahu ta'ala anhu. اللہ کا واسطہ دیکھا ہوں, اللہ کا واسطہ کسی اور کا نہیں, اللہ کا پیارے نبی کا واسطہ دیکھا ہوں, ہاتھ جوڑ کر بھکھاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں, موبائل سے ساری گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. ایک تو اللہ کی طرح متوجہ ہونے کا, نمبر دو موبائل سے گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کا, اور آخری بات بتا رہا ہوں, بہت شوق میں بتاؤں, مطلب